इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स इन दिस। तो अब हमारे पास जैसे कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी और डी, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होती है, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। ऐसे ही मेरे पास अगर ये डिटर्मिनेंट है तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टू इंटू माइनस वन माइनस फोर इंटू माइनस फाइव। तो इसकी वैल्यू मेरे पास में क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस ट्वेंटी। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, माइनस टू प्लस ट्वेंटी, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 18। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, 18। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास में आ गई इक्वल्स टू 18।